तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर आया हूँ वो आईसीयू के ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आईसी लगी होती है वो आईसी काम कैसे करती हैं और उनका आपस में काम करने का तरीका क्या होता है। मतलब जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर आईसियाँ होती हैं ये आईसी आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे होती हैं। तो हमने मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी आईसी हैं, जैसे सीपीयू आईसी है, पावर आईसी है, चार्जिंग आईसी है, एमएमसी आईसी है, नेटवर्क आईसी है, डब्ल्यूटीआर आईसी है, ये जितने भी सारी आईसी लगी होती हैं तो सारी आईसी आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे होती हैं। देखिए मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे फ़ोन में सीपीयू आईसी लगी है, एमएमसी आईसी है, पावर आईसी है, तो इस तरीके से बोर्ड के अंदर बहुत सारी आईसी लगी। ये आईसी लगी है, ये चार्जिंग आईसी लगी है, ग्राफिक आईसी लगी है, लाइट आईसी लगी है, फ्लैश लाइट के लिए आईसी लगी है, डब्ल्यूटीआर लगी है, पीएफओ लगा है, 4G पीएफओ लगा है, 2G 3G पीएफओ लगा है, वाईफाई आईसी, तो ये बहुत सारी आईसियाँ लगी होती हैं। लेकिन सारी आईसियाँ आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, आज मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। अगर आज की आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद आज आपको लगेगा कि सर ने जो मुझे इतना मेहनत करके आईसी के बारे में जो वीडियो बना करके दिया है और मुझे एक एक करके पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि किस तरीके से सारे कंपोनेंट्स हैं, सारी आईसियाँ हैं, सारे मिल करके काम करते हैं। मतलब आज की वीडियो में आपको आईसीयू के बारे में इतना डिटेल से समझ में आएगा कि आपको लगेगा कि बिल्कुल वीडियो में हमको जेनरली सारी चीज़ एक एक करके फुल डिटेल से जो भी जानकारी थी हमको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके टेक्निकली रिपेयरिंग के कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एमएमसी प्रोग्रामिंग इससे लेकर जेड तक सभी चीज़ों के बारे में हम आपको रिपेयर करना आपको सिखाते हैं। तो चलिए हम आपको चलते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ, जिसमें हम आपको एक एक करके सारी आईसीयू के बारे में समझाते हैं कि कैसे आईसीयां आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, कि मतलब हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जैसे इस आईसी से सप्लाई चलती है तो कहाँ पर जाती है, फिर कहाँ पर जाती है, फिर कहाँ पर जाती है, तो आपस में इनका इंटरकनेक्टेड कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको इसको पूरा एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है आप ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं, समझा सकूं। हमारी तरफ से दोस्तों यही कोशिश रहती है कि हम आपको जो भी चीज़ सिखाने या समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको वो चीज़ पूर्णतया समझ में आए, अच्छी तरीके से समझ में आए। यदि कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो भी आप हमसे फ़ोन करके, कॉल करके या हेल्प लेकर के पूछ सकते हैं, और अगर इस तरीके से कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहली बात क्या था, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में जो सप्लाई चलने का जो सबसे पहले फर्स्ट रास्ता होता है वो मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग कनेक्टर, मतलब चार्जिंग कनेक्टर से हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर सप्लाई चलती है। जैसे आप देखेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में ये आपका चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है। चार्जिंग कनेक्टर में 5 पिनें होती हैं, 5 पिन में से एक पिन आपकी माइनस होती है, फिर उसके बाद ये 5 वोल्ट जो सप्लाई होती है यहाँ पर आती है, ये 5 वोल्ट सप्लाई जाती है तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जिंग आईसी के अंदर। ये जो चार्जिंग आईसी के अंदर 5 वोल्ट सप्लाई जाती है, इस सप्लाई को हम लोग बोलते हैं वी बस लाइन, इसमें जाती है 5 वोल्ट सप्लाई, ताकि आपका मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज हो सके। उसके बाद 5 वोल्ट सप्लाई जाने के बाद फिर ये सप्लाई यहाँ से आउटपुट होती है और ये सप्लाई तुम्हारी जाती है बैटरी कनेक्टर के अंदर। बैटरी कनेक्टर में जो सप्लाई जाती है, इस सप्लाई को हम लोग बोलते हैं वी बैट की सप्लाई, ये 4 वोल्ट की सप्लाई होती है। उसके बाद फिर ये चार्जिंग आईसी जो होती है अपने अंदर से एक आउटपुट निकालती है, जिस आउटपुट को हम लोग बोलते हैं, ये जो आउटपुट होता है इस आउटपुट को हम लोग बोलते हैं VPH लाइन। ये VPH लाइन होता है, ये 3.7 वोल्टेज होता है, ये 3.7 वोल्टेज जो होता है ये तुम्हारा आगे जाता है और कनेक्ट होता है जाकर के पावर आईसी के अंदर।
अब पावर आईसी क्या काम करती है, पावर आईसी इस वोल्टेज को लेती है, इस वोल्टेज को लेने के बाद ये पावर आईसी क्या काम करती है, वोल्टेज को आउट करती है। वोल्टेज आउट करने के बाद सबसे पहले जो वोल्टेज आपके आउट करके देगी, वो सबसे पहला फर्स्ट वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज आउट होता है ऑन ऑफ स्विच के लिए, जो आपके मोबाइल फ़ोन में ऑन ऑफ स्विच लगा होता है। जैसे ऑन ऑफ स्विच में से एक पिन ग्राउंड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर स्विच, और इस पे जो वोल्टेज आते हैं 1.8 वोल्ट से लेकर के 2.8 वोल्ट या 3.8 वोल्ट तक सप्लाई हमारी आती है। जब हम ऑन ऑफ बटन को स्विच को शॉर्ट करते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन ऑन होता है, पावर आईसी ऑन होती है। पावर आईसी ऑन होने के बाद सबसे पहले जो पावर आईसी जो अपनी सप्लाई निकालती है, वो सबसे पहले फर्स्ट सप्लाई जो निकाल करके देती है वो तुम्हारे सीपीयू को निकाल करके देती है। सीपीयू को जो सप्लाई निकालती है, ये सप्लाई होती है 1.8 वोल्टेज। फिर सीपीयू को सप्लाई निकालने के बाद फिर यही पावर आईसी अपने अंदर से दूसरी सप्लाई निकालती है, ये सप्लाई तुम्हारी जाती है एमएमसी आईसी के अंदर। एमएमसी आईसी को जो सप्लाई जाती है ये होती है 1.8 वोल्टेज और 2.8 वोल्टेज। ये जो एमएमसी आईसी को सप्लाई जाती है, जिससे एमएमसी आईसी हमारी काम करती है। एमएमसी आईसी काम करने के बाद फिर हमारे मोबाइल फ़ोन में पूरी कनेक्टिविटी होती है। मोबाइल फ़ोन में कनेक्टिविटी होने के बाद पूरा मोबाइल फ़ोन का सर्किट ऑन होता है, सॉफ्टवेयर ऑन होता है, सारी चीज़ें आपस में इंटरनली कनेक्टिविटी होती है। उसके बाद फिर हमारे मोबाइल फ़ोन में इससे हमारा सप्लाई से सीपीयू के माध्यम से इसमें ग्राफिक आउटपुट होता है। ग्राफिक आउटपुट होता है, ग्राफिक का मतलब होता है आपके इसमें डिस्प्ले आता है, डिस्प्ले में चित्र आते हैं। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में सर्किट पूरा ऑन हो जाता है। उसके बाद फिर पावर आईसी क्या करती है, एक एक करके जो भी सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ऑन करती है। सबसे पहले जो ऑन करती है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया, उसके बाद इसी समय पर हमारे मोबाइल फ़ोन में वाइब्रेटर ऑन होता है, इसी समय पर हमारे मोबाइल फ़ोन में स्पीकर ऑन होता है, रिंगर ऑन होता है, माइक ऑन होता है, टच के लिए सप्लाई जाती है, RFIC के लिए सप्लाई जाती है या WTRIC के लिए सप्लाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आउटपुट होता है। उसके बाद फिर यही हमारे एक जो आउटपुट होता है, हमारा सिम के लिए आउटपुट होता है। जो आपके मोबाइल फ़ोन में सिम जैक लगा होता है, सिम जैक के लिए आउटपुट होता है। ये जो आउटपुट होता है ये 2.8 वोल्ट आउटपुट होता है। ये 2.8 वोल्ट जो होता है ये सिम कार्ड को एक्टिव करता है, सिम कार्ड को चालू करता है। जब सिम कार्ड चालू हो जाता है तो सिम कार्ड चालू होने के बाद फिर इसके अंदर से हमारे तीन सिग्नल निकलते हैं, और ये तीन सिग्नल निकलने के बाद यही तीन सिग्नल जो होते हैं ये तुम्हारे सीपीयू के कनेक्टिविटी में जा करके नेटवर्क को एक्टिवेट करते हैं। जब आपके नेटवर्क एक्टिवेट होंगे, जब नेटवर्क एक्टिवेट होने के बाद तब हमारे मोबाइल फ़ोन में टावर आ जाएंगे। अब टावर आने के लिए, सिग्नल आने के लिए भी सर्किट बना होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में सिग्नल तो आएंगे, लेकिन आएंगे कहाँ से, उसके लिए भी कंपनी सर्किट बनाती है। सबसे पहले सिग्नल आने के लिए जो कंपनी क्रिएट करती है, वो सबसे पहले आपका एंटीना लगाती है। एंटीने के माध्यम से सिग्नल अंदर आता है, फिर एक गोल्डन कलर का एंटीना लगा होता है, फिर इसके अंदर लगी होती है PFO IC। PFO IC को काम करने के लिए सबसे पहली बात, इसको काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए होता है। ये जो वोल्टेज होते हैं ये 3.7 वोल्टेज होते हैं। ये 3.7 वोल्टेज जो होते हैं ये तुम्हारे VPH लाइन से जाते हैं, और VPH लाइन से यही वोल्टेज तुम्हारे PFO के बाद फिर तुम्हारे वोल्टेज चले जाते हैं तुम्हारे 4G PFO की तरफ। अब 4G PFO जो होता है तभी काम करेगा जब 4G PFO का एंटीना आने के बाद यहाँ से दो सिग्नल निकलते हैं। एक सिग्नल होता है RX, दूसरा सिग्नल होता है TX। RX सिग्नल, TX सिग्नल, दो सिग्नल निकलते हैं। ये RX TX दो सिग्नल निकलने के बाद फिर यहाँ से सिग्नल आगे निकलता है।
फिर ये सिग्नल तुम्हारा चला जाता है डब्ल्यू टी आर आई सी के अंदर। अब ये डब्ल्यू टी आर आई सी जो होती है, इसको काम करने के लिए भी वोल्टेज चाहिए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे डब्ल्यू टी आर के लिए वोल्टेज जाते हैं, नेटवर्क के लिए सिग्नल के लिए वोल्टेज जाते हैं, ये हमने आपको बताया था। डब्ल्यू टी आर के लिए यहाँ से दो वोल्टेज आते हैं, ये वोल्टेज तुम्हारे पावर आई सी से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर जो आते हैं 1.1 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज, तब आपकी डब्ल्यू टी आर आई सी एक्टिव होती है। फिर एक्टिव होने के बाद फिर ये सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, और सिग्नल कन्वर्ट होने के बाद ये सिग्नल तुम्हारे जो ट्रांसफ़र होते हैं, ये सिग्नल तुम्हारे चले जाते हैं सी पी यू के अंदर। तो इस तरीके से जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, जब मोबाइल फ़ोन में जब आप चार्जिंग से सप्लाई डालते हो, तो चार्जिंग सप्लाई आने के बाद ये चार्जिंग आईसी पे आते हैं। चार्जिंग आईसी से वीपीएच लाइन क्रिएट होती है, वीपीएच लाइन तुम्हारे पावर आईसी को एक्टिव करती है, पीएफओ को एक्टिव करती है, इस तरीके से सारे सर्किट को एक्टिव करती है। उसके बाद यही वीपीएच लाइन जो होती है यहाँ से सप्लाई लेती है, और सप्लाई लेने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में एक और सर्किट एक्टिवेट होता है, यहाँ पर बूस्ट कॉइल लगी होती है। बूस्ट कॉइल के बाद ये सप्लाई जाती है आपके लाइट आईसी के अंदर। ये लाइट आईसी का काम होता है 3.7 वोल्टेज को लेना, और 3.7 वोल्टेज को लेने के बाद अपने अंदर से 14 से 24 वोल्टेज करंट को आउटपुट करना। ये आपका डिस्प्ले के अंदर जाएगा। ये जो यहां पर वोल्टेज आते हैं 3.7 होते हैं, जो आउटपुट होते हैं वो 14 से लेकर के 24 वोल्ट, 14 से लेकर के 24 वोल्टेज ये हमारी जो लाइट आईसी होती है, ये हमारी क्या काम करती है, आउटपुट करती है। तो अब हमारे मोबाइल फोन में डिस्प्ले में ग्राफिक तो आ जाता है, लेकिन इसके माध्यम से हमारे डिस्प्ले में रोशनी आती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे मोबाइल फ़ोन में, जो मैंने आपको बताया, ये हमारे मोबाइल फ़ोन का ब्लॉक डायग्राम है। आप कह सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड के अंदर कैसे कैसे सप्लाई चलती है, किस स्टेप में सप्लाई कहाँ पर जाती है, पहला स्टेप क्या होता है, तो ये मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश करी है, ताकि आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में जब हम किसी सप्लाई को चेक करना है, चार्जिंग की सप्लाई जैसे 5 वोल्ट होती है, बैटरी की सप्लाई 4 वोल्ट होती है, वीपीएच लाइन 3.7 होती है, ऑन ऑफ की सप्लाई 1.8 वोल्टेज होती है, सीपीयू और एमएमसी की सप्लाई 1.8 और 2.8 वोल्टेज होती है, किसी भी सिम के लिए, टच के लिए, इन सब माइक के लिए, इन सब चीज़ों के लिए 2.8 वोल्टेज जाते हैं, पीएफओ 4G पीएफओ को काम करने के लिए यहाँ पर 3.7 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि ये हमारे मोबाइल फ़ोन का वर्किंग ब्लॉक डायग्राम होता है, कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो पीसीबी होती है, उस पीसीबी के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो ये मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्लेट होती है, उस प्लेट का काम करने का तरीका क्या रहता है, उस प्लेट किस तरीके से वर्किंग करती है और कैसे सप्लाई चलती है, कौन सी चीज़ का इंटरकनेक्टेड कहाँ पर होता है, कौन सी पहले होती है, कौन सी बाद में होती है, कौन सी आईसी इनपुट होती है, कौन सी आईसी आउटपुट होती है, तो ये मैंने आपको पूरी कनेक्टिविटी समझाई है। ये जो कनेक्टिविटी है, ये हमारे मोबाइल फ़ोन की लिए एक बेसिक कनेक्टिविटी है, कि ऐसा कनेक्शन हर एक मोबाइल फ़ोन में होगा ही होगा। वो मोबाइल फ़ोन चाहे ओप्पो का है, वीवो का है, रियलमी का है, सैमसंग का है, कोई भी कंपनी अगर मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो उस मोबाइल फ़ोन का अंदर का जो ब्लॉक डायग्राम है, अंदर का जो काम करने का तरीका है, काम करने का स्ट्रक्चर है, वो समथिंग समथिंग आपको मोस्टली ऐसा ही मिलेगा। जिस चीज़ों को देख करके आप समझ सकते हैं कि हमको मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कैसे करना है, या हमको मोबाइल फ़ोन को रिपेयरिंग करने के लिए उसको चेक कैसे करना है, और ये आपस में काम कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको ये समझाया कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आईसियाँ होती हैं वो कैसे काम करती हैं, या उनके ब्लॉक डायग्राम है, या अंदर का सप्लाई सर्किट है किस हिसाब से काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कि हम लोग आईसियों का अंदर का कनेक्शन कहाँ से होता है, कैसे होता है, किस पे कितना कितना वोल्टेज चलता है, बेसिकली वो हम लोगों ने समझा है। तो आगे के वीडियो में हम लोग इसके बारे आगे जानेंगे कि ये सारे सर्किट अलग अलग काम कैसे करते हैं, इसका काम करने का तरीका क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है, इसके बारे में क्या क्या रेजिस्टेंस, क्या क्या कैपेसिटर, क्या क्या सप्लाई, कहाँ से इनपुट, कहाँ से आउटपुट, किस पिन पर सप्लाई जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे की वीडियो में हम लोग डिटेल से
जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप सब लोग जो चीज़ मैंने आपको बनाया है डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, इसको अच्छे से समझें, इसको कॉपी में नोट करें, अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करें, बनाएं। उसके बाद भी कोई परेशानी कोई दिक्कत आती है तो फिर आप चाहें तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि सर ने आप जो समझाने की कोशिश करी है अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है। इससे संबंधित और भी हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियो पड़ी हुई हैं जिन वीडियो को आप वॉच कर सकते हो कि देख सकते हो कि जैसे आपने इस वीडियो को देख लिया, इस वीडियो में आपको मान लिया हो सकता है कि कुछ चीज़ ऐसे जो दिमाग के अंदर क्वेश्चन हो जो आपको न समझ में आया हो, तो इससे संबंधित चैनल में और भी बहुत सारा वीडियो पड़ा है या डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल पड़ी है तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हो कि सर ने जो चीज़ हमको समझाई है जो चीज़ सिखाई है वो हमको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, समझ में आया नहीं आया या कोई और डाउट्स हैं तो उन चीज़ों के बारे में और आगे आप देखना चाहते हो तो भी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत आए तो नीचे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहें तो ट्रेनिंग सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर जो पड़ता है ये कानपुर के अंदर एक मार्केट पड़ती है, सागर मार्केट। अगर सागर मार्केट का अगर मैं जिक्र करूँ तो ये मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर कम से कम 4,000 से 5,000 मोबाइल फ़ोन की दुकानें हैं जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं मोबाइल फ़ोन का सामान परचेस करने के लिए, एसेसरीज खरीदने के लिए, टच डिस्प्ले, आईसी, काम्बो, अगर ऐसा जो भी सारा सामान होता है वो टोटली सामान परचेस करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। और जो मोबाइल फ़ोन कहीं नहीं ठीक होता वो भी मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए सागर मार्केट आते हैं। तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि आपको प्रैक्टिकली करने को मिलता है। सीखने के लिए तो दुनिया जान में आप कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी भी कोने में जा कर सीख सकते हैं, लेकिन किसी गढ़ में सीखने का दोस्तों एक अलग ही मज़ा होता है। कहते हैं नहीं कोई भी सामान खरीदना हो तो कहीं से भी खरीद लो, ऐसा नहीं कि मिल नहीं जाता, लेकिन जब आप मेले में जाकर सामान लेते हो तो अलग ही मज़ा होता है। क्यों मज़ा होता है? क्योंकि वहाँ पर वो सामान तो है लेकिन उसके साथ में और भी जो 50 वैरायटी हैं वो भी उपलब्ध हैं। बेशक आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए आप खरीद नहीं पाए, लेकिन सामान आपको सबको दिखेगा तो अगली बार के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पर ट्रेनिंग होने का एक सबसे बड़ा ये फायदा रहता है कि आप तालाब में मेंढक की तरह नहीं रहते कि जितना आपको समझ में आए उतना ही है बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर आते हैं तब आपको दिखाई देती है कि दुनिया है क्या, कितनी सारी रिपेयरिंग है, कितना काम हो रहा है, कैसे वर्किंग हो रही है, कैसे ठीक किया जाता है, इन सब चीज़ों बातों का भी अनुभव मिलता है और जो आपको कहीं पैसा दे करके भी नहीं मिल सकता। क्योंकि मार्केट की नॉलेज तभी आती है दोस्त जब आप मार्केट के अंदर घुसो। अगर मार्केट के अंदर जाओगे तभी आपको जानकारी आएगी, नहीं आएगी तो वही बात कटने वाली बात आ जाएगी कि किसी ने आपको 10 रुपये की चीज़ दे दी तो आपके लिए 10 ही रुपये की है। आपने कभी ज़िंदगी में जानने की कोशिश ही नहीं करी कि वो 8 रुपये की कहाँ से आई है। आपने ये भी जानने की कोशिश नहीं करी कि उसको 7 रुपये में किसने बना करके दिया है। तो अगर तुमको बनाने वाले को ढूंढना है ना तो वो तुमको मार्केट में ही बैठे हुए मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सागर मार्केट कानपुर स्टेशन के नियर अबाउट 200-300 मीटर में है, पैदल वॉकिंग का डिस्टेंस है। आप कहीं से भी पूरे इंडिया के अंदर किसी भी कोने से आप आ सकते हैं। कानपुर स्टेशन के पास में सागर मार्केट है और सागर मार्केट के अंदर ही अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो आप चाहें तो ट्रेनिंग सेंटर को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में जानने के लिए आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। और एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडेंट मनीष करके हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम 3-4 महीने पहले मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखा था। काम सीखने के बाद फिर उन्होंने आज अपनी मोबाइल फ़ोन इसी संडे को उन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की ओपनिंग करी है और अच्छे से उन्होंने मोबाइल फ़ोन की शॉप खोली। पहले उससे पहले वो जॉब करते थे, जॉब करने के बाद फिर घर आ गए, फिर उनको दोबारा जो लॉकडाउन में जॉब छूट गई थी तो उनको दोबारा जॉब नहीं मिल पाई, या ऐसा भी हुआ सीन कि सर पहले हमको 18-22 हज़ार रुपये मिलते थे, फिर हमको वहाँ पर दोबारा गए तो 9,000, 10,000, 8,000 ऐसे मिलने लगे, उतने में हमारा कोई खर्चा पानी हो भी नहीं रहा था। तो हमने कुछ दिन जॉब फिर करी जा करके, लेकिन छोड़ छाड़ के फिर भाग आए। फिर सर हमने आपके पास ट्रेनिंग लिया और आज हमने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान खोली है। सर जी दुकान खोलने से पहले ही समझ लीजिए मेरे पास वहाँ पर कम से कम नहीं था तो 1-2 मोबाइल फ़ोन मिल जाते थे, तो 300-400 रुपये तो मैं ऐसे ही कमा लेता था। दुकान खोलने की बात थी तो आज सर मैंने दुकान खोली है। पहले दिन मैंने शॉप खोलने के बाद मैंने 450 रुपये रिपेयरिंग का काम किया, तो उन्होंने मुझे बताया तो मुझे भी बड़ा खुशी हुआ। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से लोग जैसे सीख करके आज सब चीज़ों से परेशानी से हट करके, सारी परेशानी जॉब सब चीज को छोड़ करके, सारी टेंशनों को छोड़ करके आज लोग अपने काम में आ रहे हैं। अपने काम में इसलिए आ रहे हैं ताकि आज आप अपना काम करेंगे तो आपके लिए कल के लिए होगा, आपके फ्यूचर के लिए होगा और आपकी तरक्की के लिए होगा।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सारा काम करने के लिए छोटा सा हमको बस क्या करना होता है, ट्रेनिंग लेनी होती है। यहाँ पर हम लोग 45 दिन का कोर्स कराते हैं, 45 दिन सिखाते हैं, 45 फुल डे ट्रेनिंग होता है, पूरा 8 घंटे आपको सिखाया जाता है। बिल्कुल चाहे मोबाइल फ़ोन के अंदर आप बिल्कुल जीरो हैं, आपने कभी मोबाइल फ़ोन का एम नहीं जाना, चलाने के अलावा कुछ नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आ करके सब चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आईसी लेवल तक का है, चार्जिंग पिन बदलना, माइक बदलना, डिस्प्ले बदलना, काम्बो बदलना, ग्लास बदलना, इस तरीके से बहुत सारी जो मोबाइल फ़ोन के अंदर अनगिनत समस्याएं आती हैं, तो आपको हज़ारों फॉल्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर करना आपको बताया जाता है और आपसे प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.